हे गाइस, आप सबका कोया ब्लॉग में स्वागत है। और आज आप लोग को रावस आमा पानी वाला घाटी दिखाएंगे और वहाँ का एक छोटा सा जो वाटरफॉल है उसका नाम है गोदगोल, वो आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ से अभी हम लोग बाइक यहाँ पास पार्क किए हैं, और ये चागेश्वर भाई और ये भाई जो है यहीं के हैं जो हम लोग को भाई का नाम है तो महेश कुमार नेता। अच्छा, महेश कुमार नेता हमें भाई के नाम तो नाम है छोटू, का नाम है बता? भाई का नाम है तमेश कुमार नेता। यहाँ से लगभग 500 मीटर होगा वाटरफॉल, जो आप लोग कभी भी आने से देख लेना। यहाँ से वाटरफॉल 500 मीटर होगा, और वाटरफॉल यहाँ का बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ पूरा जंगली जंगल है। और यहाँ तो गाइस अभी आप लोग को वाटरफॉल दिखाते हैं। आमा पानी के घाटी के जस्ट नीचे एक ठने वाटरफॉल भी है, वो आप लोग को दिखाते हैं। अभी हम लोग को मिल गए हैं दो जने भाई, ले जा रहे हैं वाटरफॉल दिखाने के लिए, जा रहे हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। भाई बता रहा है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वाटरफॉल। और इधर ये पूरा खेत है, देख सकते हैं। अरे बाजार नहीं जाओ यार, सरना बाजार का नहीं जाओ आज, घर के मन से ही। भी जाते हैं झरना पास, फिर आप लोग को दिखाते हैं। और ये वाला जो वाटरफॉल है इसको तो कोई नहीं जानते, पूरा अनएक्सप्लोर है। तो गाइस ये जो आप लोग देख सकते हैं पूरा खेत। कहाँ पर था? दिल्ली पर था। अभी जा रहे हैं खेत वाले रास्ता में, यहाँ से झरना ज़्यादा दूर नहीं, भाई बता रहे हैं। जाते हैं गाइस, फिर आप लोग को दिखाते हैं। और ये सीन जो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा नेचुरल जगह है। यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे, नदी नाले जो आप लोग देख सकते हैं, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। और वो पास आप लोग देख रहे हैं हम लोग बाइक रखे हैं घाटी से। ये वाला जो वाटरफॉल है ज़्यादा दूर नहीं, 500 मीटर होगा। और ये इधर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भाई दिखता है तगड़ा वाला व्यू, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल, पहाड़ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर हरियाली है, पूरा ग्रीनी ग्रीनी। तो गाइस अभी आप लोग को नीचे उतरते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। और यहाँ से व्यू देख सकते हैं, तो यही वाला वाटरफॉल है। तो गाइस अभी नीचे उतरते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस अभी वाटरफॉल के जस्ट ऊपर में गए थे, तो अभी नीचे जा रहे हैं, फिर नीचे जाके दिखाते हैं आप लोग को। और अभी कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, अभी जा रहे हैं नीचे। आराम से उतर जा, चप्पल निकाल दे, बिछल ही नहीं दे छोटू, झोला में भर, झोला में भर रहा का धर रहा, झोला में, झोला में भर दे रहा, आराम से उतर, आराम से। जो जने भाई है बहुत बड़ा, वो सामने जा रहा है, वही रास्ता देखा हुआ है तो वही ले जा रहा है अभी।
और ये छोटू और एक जने भाई है जो मेरे साथ आए हैं। और ये रास्ता जो आप लोग देख सकते हैं, पूरा रास्ता नहीं है, उतरने के लिए अपने से उतर के जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फिसल। और ये छोटू भाई देख सकते हैं आराम से उतर रहा है, पकड़ पकड़ के, गिरे ना सीधा फिसल के तो पैर हाथ टूटना निश्चित है। तो जा रहे हैं गाइस अभी आराम से, और इधर है मेरा पैर, ये चप्पल अप्पल उतार दें क्योंकि चप्पल बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है। तो पानी भी सुबह गिरा है ना, बारिश हुआ है सुबह तो बहुत ज़्यादा स्लिप कर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वाटरफॉल पास, थोड़ा नज़दीक जाके आप लोग को दिखाता हूँ। और ये वाटरफॉल पूरा अनएक्सप्लोर है, ये है जो पेड़ के कारण वाटरफॉल नहीं दिख रहा अच्छे से क्योंकि बहुत ज़्यादा झील है, यहाँ कोई नहीं आते करके साफ वगैरह नहीं करते। सही कर रहा छोटू ना। तो गाइस ये जो आप लोग देख सकते हैं वाटरफॉल, ये पूरा अच्छे से साफ वगैरह नहीं किए झील के कारण। और ये पत्थर जो आप लोग देख सकते हैं पूरा काई बैठ गया है पत्थर में, स्लिप कर रहा है चढ़ने में। तो भाई लोग ऊपर चढ़े हैं, अभी मैं भी ऊपर जाता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ अच्छा से। यही है और ये वाटरफॉल घाटी से ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर के आसपास होगा घाटी पास से। बता रहे कि ये वाला जो झरना है उसको गोदगोल बोला जाता है गांव में, और इसका नाम यही है गोदगोल।